नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में आम आदमी की सेहत का खास ख्याल रखा गया है। बजट में रेलवे के रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,000 और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू की जाएगी। बजट में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के तहत दिल से स्वीकार किया गया है और 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा और इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। धौलपुर के सर मथुरा के जंगलों में बाघिन T-117 बादली 2 शावकों के साथ नजर आई है। DFO केसी मीना ने बताया कि सर मथुरा के झीरी में लगे कैमरे में बाघिन बादली के साथ 2 शावकों को देखा है। बाघिन बादली टाइगर T-116 के साथ धौलपुर में 1 साल से मेटिंग कर रही थी। 2 शावकों के आने से धौलपुर को टाइगर रिजर्व कॉरिडोर बनाने पर बल मिलता है। रणथंभौर और केलादेवी अभयारण्य से सटे धौलपुर के बीच यूं तो बाघों के आने जाने का सिलसिला बना हुआ है और रणथंभौर अभयारण्य में बाघों की बढ़ती तादाद से इन बाघों को धौलपुर और केलादेवी की वादियां रास आ रही है। प्रदेश भर में अब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे 8 फरवरी से स्कूल जा सकेंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर की कॉलेज कक्षाएं भी 8 फरवरी से शुरू होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया। कॉलेज और स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी और साथ ही सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक जमा होने की छूट होगी। राजस्थान में कुंवारा किले के नाम से जाने वाले अलवर का बाला किला देशी विदेशी पर्यटकों को पसंद बनने लगा है और यही कारण है कि कोरोना काल के दौरान बाला किला की सैर के लिए पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने यहां पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है और अभी तक विभाग की ओर से अलवर जिले में किसी भी इमारत को देखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश के 20 जिलों में 90 निकायों के आए चुनाव परिणाम में कांग्रेस के 2 मंत्रियों और 6 विधायक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिला पाए। इन निकायों में 7 मंत्रियों और 22 विधायकों की साख दांव पर लगी हुई थी। जो मंत्री अपने क्षेत्रों में पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए उन्हें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं। इसके अलावा जिन 22 विधायकों की साख दांव पर थी उनमें से 5 कांग्रेस विधायक ऐसे हैं जहां पार्टी को बड़ा धक्का लगा है। नगरीय निकाय के चुनावी नतीजों में बीजेपी भले ही कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ गई हो लेकिन प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस हार में जीत के आंकड़े गिनाए हैं। पूनिया ने कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग कर नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया चुनावी नतीजों के बाद आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। जोधपुर जिले के नौसर क्षेत्र में रविवार देर रात सड़क पर सामने आई एक गाय को बचाने की कोशिश में एक जीप बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जीप चालक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार उमेश सिंह अपने साथी करण सिंह के साथ जीप में नौसर से पल्ली की तरफ जा रहा था। धानलो की ढाणी के पास सड़क पर अचानक एक गाय सामने आ गई। चालक ने तेज रफ्तार से चल रही जीप को रोकने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। जीप सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। आपने बजरंगी भाईजान फिल्म तो देखी होगी जिसमें फिल्म का हीरो सलमान खान बोलने में असमर्थ बच्ची को उसके घर तक पहुंचाता है और कुछ ऐसा ही मामला 3 साल पहले अक्टूबर 2017 में अनन्या एक्सप्रेस से उदयपुर पहुंची 35 साल की जया चेत्री के साथ हुआ है। उसके साथ 2 साल की बेटी और ट्रेन में ही जन्मा बेटा था लेकिन अलग भाषा के चलते वह नहीं बता सकी कि कहां की रहने वाली है और यहां कैसे पहुंची। राज्य सरकार ने नारनौर से खेरथल बहरोड़ अलवर नई रेल लाइन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की सहमति प्रदान कर दी है और वहीं झज्जर से नारनौल तक रेल लाइन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए हरियाणा सरकार पहले ही सहमति प्रदान कर चुकी है। सांसद महंत बालकनाथ योगी ने बताया कि राठ क्षेत्रवासियों को जल्द ही रेलवे की सुगम यात्रा उपलब्ध की उम्मीद है। इसके लिए नारनौल बहरोल खेरथल अलवर रेलवे लाइन की सर्वे के लिए राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कार चलाना नहीं आता तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और चिंता की कोई बात नहीं। 1500 रुपए खर्च कीजिए और 5-10 मिनट में कार चलाना सीखिए। न केवल कार चलाना सिखाया जाएगा बल्कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने की भी गारंटी।
यह हाल है जगतपुरा परिवहन कार्यालय का। इन दिनों जगतपुरा परिवहन कार्यालय में एक गिरोह सक्रिय है जो ड्राइविंग नहीं जानने वाले लोगों को भी ड्राइविंग टेस्ट पास करवा रहा है। यही बात है कि यह सब कुछ ARTO, DTO व RTO इंस्पेक्टर की आंखों के सामने हो रहा है। राजस्थान में सर्दी फरवरी में भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश के 11 जिलों में फिर से बरसात व ओलावृष्टि की संभावना बन रही है, जो 3 से 5 फरवरी के बीच हो सकती है और इससे एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ सकता है। इससे पहले प्रदेश के शेखावटी अंचल में सोमवार को तापमान 6 दिन बाद भी जमाव बिंदु से ऊपर आया। शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पदों पर होने वाली DPC में अब हेड मास्टरों का कोटा 33% से घटाकर 20% करने की तैयारी चल रही है। प्रिंसिपल DPC में हेड मास्टरों के अनुपात में कटौती के प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को भेज दिए हैं और इन प्रस्तावों पर जल्द ही मुहर लग सकती है। इस फैसले के बाद प्रिंसिपल पदों पर होने वाले DPC में व्याख्याताओं का कोटा 67% से बढ़कर 80% हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल के जो रिक्त पद DPC में भरे जाएंगे उसमें 80% व्याख्याता और 20% हेड मास्टर सिलेक्ट होंगे। बीकानेर की सर्वोदय बस्ती में एक कबाड़ के स्टोर में रविवार देर रात आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल आग की लपटें करीब 20 फीट ऊंचाई तक पहुंच गई और इससे आसपास के घरों तक आग फैलने का संकट खड़ा हो गया। हालांकि नगर निगम से 4 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कबाड़ स्टोर में संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी और यहां रखे प्लास्टिक के सामान तक पहुंच गई। प्रदेश में पहले किसी गैंगस्टर की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रिमांड पर चल रहे गैंगस्टर पपला की सुरक्षा के लिए हर दिन करीब 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। पपला से अलवर जिले के नीमराणा थाने पर पूछताछ की जा रही है। बहरोड थाने में AK-47 से फायरिंग कर पपला को छुड़ा कर ले जाने वाले 50,000 का इनामी राजवीर सिंह अभी फरार है और साथ ही गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू से उसकी दुश्मनी है। इसके चलते नीमराणा थाने में पपला और उसकी महिला मित्र की सिक्योरिटी के लिए मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।